नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज एक नई जगह पे हम जा रहे हैं और रास्ते में पहुंच चुके हैं। सुबह 6:10 पे सफ़र शुरू किया था, 7:30 के करीब टाइम हो गया, सूरज ऊपर आ चुका है और थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पे, व्यू देखेंगे और इसके बाद हम आगे को जाएंगे। डलोजी हम एक्चुअली पहुंच गए हैं और यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि एक हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था और हमने सोचा था कि यहीं पे आके ब्रेकफास्ट करेंगे। सो यहाँ पे अभी बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर आगे निकलेंगे। फाइनली हम डलोजी अभी पहुंच गए हैं, थोड़ी देर पहले हम पहुंचे हैं। पीछे आप देख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू लगा हुआ है, इसको सुभाष चौक भी कहते हैं। और जहां पे मैं खड़ा हूं, मैं आपको वहां की तस्वीर दिखाता हूं पीछे से, और व्यू बहुत अच्छा है, पर यहां पे आपको शायद थोड़ा कम दिखे क्योंकि पीछे से बहुत ही ज़्यादा सन लाइट आ रही है और यहां का व्यू पीछे दिखे बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है पीछे से। और बलजीत सर, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हम पहुँचे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं अभी। और यहाँ पे मतलब ठंड काफ़ी ज़्यादा है, पर अच्छी सनलाइट होने के कारण हमें अच्छा, मतलब कि व्यू भी अच्छा आ रहा है और हमें थोड़ा सा वार्म भी फील हो रहा है, बट ठंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। घर से यहाँ पे आने के लिए 2 से 3 घंटे लग गए थे हमें, और ट्रैफिक हमें नहीं मिला था क्योंकि हम मॉर्निंग में सुबह जल्दी निकल गए थे घर से, और यहाँ पे आते आते 2-3 घंटे का रास्ता तो आपको पड़ ही जाएगा। अभी खजार जाने के लिए हमने रास्ता पूछा और ये ऊपर को रास्ता जाएगा, और सोच रहे हैं वहीं से जाते हैं, और उन्होंने बोला कि 1 से 2 घंटा आपको वहाँ भी लग सकता है। गाइस हम अंदर आ चुके हैं और हैं सैन फ्रांसिस चर्च के अंदर जा रहे हैं, और आपको दिखाते हैं अंदर चर्च कैसे है। और ये काफ़ी पुराना चर्च है, 1875 सैन फ्रांसिस चर्च लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चर्च है पीछे, और एक रास्ता इस साइड से जाता है और दूसरा रास्ता इस साइड से जाएगा दूसरा रास्ता। दोस्तों जैसे ही हम चर्च के अंदर आते हैं, एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, इसको कहते हैं सोलर टाइम, जो कि पहले टाइम में इसके सहारे मतलब टाइम का पता लगाया जाता था। तो ये है सोलर क्लॉक, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप देखिए। और चर्च के अंदर से देखिए आप व्यू कितना अच्छा आ रहा है बाहर का, और ये चर्च से बाहर का व्यू है। और पेड़ है जो, ये शायद देवदार के पेड़ है, सेंट फ्रांसिस चर्च। अभी अंदर जाएंगे हम देखने के लिए, तो जैसे ही अंदर जाते हैं चर्च के, और ये देखिए यीशु मसीह,
जीजस, और ये है मेन दरवाज़ा चर्च का। यहाँ पे मैरिज क्रिसमस भी लिखा हुआ है, देखिए आप। और अंदर जूते उतार के जाएंगे। इस अंदर प्रेयर हो रही है और हमें थोड़ी टाइम की पाबंदी भी है और हमने आगे भी जाना और अपने घर को भी वापस जाना है। सो हम अंदर शामिल नहीं होंगे प्रेयर में और हम यहाँ से जल्दी निकल रहे हैं। मैंने आपको बाहर से ही थोड़ा दिखा दिया, अंदर प्रेयर हो रही है और हम जल्दी से जाएंगे खजार की ओर, फिर वहाँ से निकलेंगे और फिर अपने घर जाएंगे। हमारे पास एक ही दिन है पूरा, और आपको बताया सर्दियों में जो दिन है वो काफ़ी छोटा हो जाता है, इसलिए फिर हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा और मिलते हैं आपको खजार में। So finally guys, we are here at Khajar. See, this is Khajar. और हम अभी नीचे को जा रहे हैं और नीचे जाके आपको वीट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आने के लिए हमें 1.5 से 2 घंटे लग गए क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब है और मतलब स्लीपिंग बहुत हो सकती है वहाँ पे, मतलब बर्फ ही बर्फ थी, आपने देखा होगा वीडियो में। और अभी हम फाइनली 1.5 घंटे बाद यहाँ पे पहुँच गए हैं और आपको दिखाते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, ये जो बेयर्स की, अलग अलग बेयर्स की फ़ोटो लगी हुई है। मतलब आपको मैं बता दूँ कि ये पूरे वर्ल्ड में ऐसे बेयर्स होते हैं, हर तरह के बेयर्स हैं, और कुछ बेयर्स इसमें से यहाँ पे जंगलों में भी पाए जाते हैं। पीछे मतलब कि उन्होंने काफ़ी निर्देश दिए हुए थे कि आपको वहाँ से मतलब आराम से जाना चाहिए, बचना चाहिए, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो ये देखिए कितने सारे बेयर्स के फोटो लगाए हुए हैं। ये देखिए इस घोड़े का नाम क्या है भैया? प्रिंस घोड़ा ये। तो भैया राइड करने का दिल कर रहा था तो भैया से पूछा मैंने कि कितना, भैया 300 रुपीज़ बोल रहे हैं और घोड़े का नाम है प्रिंस, तो चलिए आज ट्राई करते हैं। लाओ ब्रेक, मेरे वालों घुमाओ, थोड़ा घुमाओ, जोर ना। हाँ, इदा लियाओ, हुण थोड़ा घोड़ा समझ आ रहा कि मैनू कोई चला रहा।
सो गाइस आज मैंने राइड की है प्रिंस की। प्रिंस घोड़ा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब आराम से इसने राइड की, कोई लात नहीं मारता ये। और मैंने आज दो तीन मूव सीखे हैं, घोड़े को कैसे मोड़ना है, घोड़े को कैसे चलाना है, आज मैंने दो तीन मूव सीखे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इसके बाद। गाइस खजार ग्राउंड के बाहर बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं और हम यहाँ पे मैगी और ऑमलेट वगैरह खा के यहाँ से निकलेंगे और बलजीत सर वहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टॉल है जहाँ पे हम आपको दिखा रहा हूँ, पीछे बहुत सारे स्टॉल भी लगे हुए हैं जहाँ पे आराम से आप आके मैगी ऑमलेट चावल दाल सब कुछ खा सकते हैं। हमारा ऑमलेट तैयार हो रहा है, कितना बढ़िया। आंटी जी तैयार कर रहे हैं हमारा ऑमलेट खजार ग्राउंड के बाहर। दो ब्रेड ऑमलेट, बलजीत सर ऑमलेट, खजार का ग्राउंड, तो ये है इसका गेट और यहाँ पे आपको मिलेंगे आंटी जी। और आंटी जी बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं और इनसे ज़रूर खा के जाइए आप। और ये बलजीत सिंह अपनी मैगी का आनंद उठाते हुए, और चम्मच देखिए इनका, इनका चम्मच देखिए मैगी का पूरा पूरा आनंद उठा रहे हैं। और ये देखिए एक प्लेट ये चट कर चुके हैं और दूसरी प्लेट ये खा रहे हैं। देखिए कैसा जानवर है ये, जितना भी खाए देखे जो नंद पा रहे। जी के रास्ते में एक पार्क आई है, देखो बहुत ही अच्छी पार्क है। और ये मतलब डिफेंस के जो इक्विपमेंट वगैरह पुराने होते हैं वो है, जैसे कि ये पुराना जहाज लगाया गया है, पुरानी जीप लगाई गई है जैसे मेमोरियल के लिए होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेजिस पार्क, बेजिस पार्क लिखा हुआ है यहाँ पे, और ए ट्रिब्यूट टू ऑल मदर्स। तो और ये देखिए मिसाइलें बनाई गई हैं ऊपर, और वहाँ से बहुत बड़ा जेट लगाया गया है। सो गाइज ये था मेरा डलहौज़ी और खजार का ब्लॉग। सो मैंने काफ़ी कवर करने की कोशिश की है, बहुत ही कम समय में डलहौज़ी और खजार दोनों को कवर करना था। और इसमें मैंने हॉर्स राइडिंग भी की है और आपको व्यू दिखाने की बहुत कोशिश की है। मेरा कैमरामैन दिखाएगा इधर व्यू, दिखाना थोड़ा सा व्यू। और आप देखिए बहुत सारे लोग आए हैं, और सर्दियों की छुट्टियों में भी आते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में भी। अगर पठानकोट आते हैं तो पठानकोट से आप बस के लिए सीधे खजार के लिए आ सकते हैं। अगर आपका प्लान दो जगह जाने का है तो आप एक या डेढ़ दिन में इसको कवर कर सकते हैं, बट अगर आपका प्लान तीन से चार दिन का है तो आप इसको तीन चार जगह और ऐड कर सकते हैं इसमें, जहाँ यहाँ पर सेंचुरीज पार्क गार्डन्स और भी बहुत चीज़ें कवर कर सकते हैं। एडवेंचर पार्क भी है यहाँ पे, बट हमारे पास एक ही दिन था तो हमने डलहौज़ी और खजार को कवर किया। आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।